नमस्ते। सो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल लेटर जे की। कैपिटल लेटर जे को समझेंगे, मगर जे लेटर कहता क्या है उसको और डीप समझने के लिए आप हमारी स्मॉल लेटर की जे लेटर की वीडियो देख सकते हैं। बट फिर भी हम समझते हैं कि जे लेटर क्या कहता है। जे लेटर बताता है आपके एटीट्यूड के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में। जब आप कभी भी किसी पर्सन को मिलते हैं या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर अचानक से कोई पर्सन या कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, तो आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर कैसा होता है और वो बिहेवियर आपका कैसे पता लगता है, आपको कैसे पता लगता है कि कोई पर्सन अरे ये गुस्से में है, अरे आज इसका मूड अच्छा है, तो वो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से जानते हैं, राइट? तो आपके एटीट्यूड और आपके बॉडी लैंग्वेज को बताता है लेटर जे। इसको और डीप समझते हैं। सो माय नेम इज इंद्रजीत चावला एंड आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट फाउंडर ऑफ होलिस्टिक हीलिंग इंस्टीट्यूट। तो जब मैंने कैपिटल लेटर स्टार्ट किए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हर एक लेटर को हमने 7 चक्रा से रिलेट किया था, तो उसको तो मैं डीप पे नहीं समझाने लगी। तो बट हम आज बात करते हैं लेटर जे। तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर जे दो तरह से लिखा हुआ है। एक ये देखिए एक स्मूथ कर्व के साथ है और एक ये क्या है एंगल के साथ, ठीक है? इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये तीन अलग अलग तरह के बताए हैं। ये क्या है आपके स्मॉल, अगर किसी की राइटिंग स्मॉल है तो वो इस तरह का जे लिखेगा, जिसकी थोड़ी मीडियम वो ऐसे लिखेगा, लार्ज दिस कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो लेटर जे है यहाँ पर इसका लिखते कैसे, कैपिटल लेटर ऊपर एक क्रॉस बार है एंड एक वर्टिकल लाइन आई और वो लेफ्ट को क्रॉस होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है वायलेट चक्रा और यहाँ पर मैंने लिखा है रूट चक्रा। बस आपको इतना समझना है ये वायलेट और रूट चक्रा का क्या मतलब है। जब जे के लेटर के ऊपर ये क्रॉस बार है तो इसको मैंने बताया कि ये किसको बताता है, वायलेट चक्र या हमारा जो सहस्त्र चक्र है। तो कोई भी साइज का हैंडराइटिंग है आपका, तो वो ऊपर जो क्रॉस बार है वो आपके सहस्त्र चक्र के बारे में बात करेगी। सहस्त्र चक्र या आपका वॉलेट चक्र क्या बताता है, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे एक वर्टिकल लाइन आई है, ठीक है? नीचे जो वर्टिकल लाइन है एंड उसके बाद वो क्रॉस आपका लेफ्ट साइड को हुआ है, ठीक है? बट ये फर्स्ट में आपने क्या देखा है, यहां पर एक स्मूथ कर्व है। तो ये पर्सन का क्या ट्रेट रहेगा कि जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन आए जैसे अभी मान लो मेरे को प्यास लगी और मुझे पानी पीना है, तो पहले मेरे मन में विचार आया कि मुझे पानी पीना है एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक्शन लूंगी। तो मुझे प्यास आई तो मेरे मन में विचार आया एंड देन मैंने उसको फिर नीचे गई, देन रूट चक्र। रूट चक्र किस चीज को बताता है, वो आपकी इंस्टिंक्ट लेवल को बताता है, आपकी गट फीलिंग को बताता है। और जब वो कर्व लेफ्ट साइड को टिल्ट होगी तो लेफ्ट साइड इज अवर पास्ट, हमारी पास्ट के बारे में। तो जब भी मेरे मन में विचार आया तो मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया, बट जो भी जब भी मुझे पिछली बार भी ऐसे क्लास लेते हुए प्यास लगी थी तो मेरे मन में विचार आया, तो किस तरह का उस टाइम पे मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, तो ये लेटर जे बताता है। अब जो स्मूथ कर्व के साथ लिखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये पर्सन अब कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस है बट ये प्यास लगी है, ओके फिर भी मैं क्लास लूंगी आपके और पानी को ग्लास को उठाऊंगी और पानी को पी जाऊंगी, कंफर्टेबल, कुछ भी बिहेव नहीं। तो ये जो पर्सन है कोई भी अगर सिचुएशन आती है, राइट, तो वो उसके मन में विचार आता है तो ये अपनी गट फीलिंग को, ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा और
मगर पास्ट एक्सपीरियंस को देखता हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अब हम एक लेटर देखते हैं, यहाँ पर लेटर जे, यहाँ पर क्या आ गया, एंगल, ठीक है। तो क्रॉस बार जब भी उसको प्यास लगी एंड तो वो अपनी गट फीलिंग, अब बॉडी लैंग्वेज आ गई, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। तो हम इसको और डीप एग्जांपल में बताऊंगी, पहले मुझे प्यास लगी, मैंने सडनली ग्लास उठाया और पानी पी लिया, समझे। इस टाइम पे मेरे पास ग्लास नहीं है और ये एग्जांपल मैंने सडनली ऐसे ही सोचा कुछ और था, मगर मैंने कहा चलो यही दे देते। तो अब समझे, सडनली मैंने एकदम से प्यास लगी और पानी पी लिया, तो ये हो गया मेरा सडन एक्शन। तो यहां पर मैंने उस टाइम नहीं लिया, एंगल आ गया, राइट। और एंगल क्या जनरेट करता है, स्ट्रेस। तो किसी को प्यास लगी, उसने आराम से ग्लास उठाया, फिर से उसको पिया, तो एक्शन ले लिया। तो ये बताता है आपका लेटर जे कि जब भी आपके मन में कोई विचार आया और आप उसको अपने इंस्टिंक्ट लेवल पर चेक करोगे और आपके पास एक्सपीरियंस को यूज करते हुए फिर भी आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, स्मूथ कर्व वाले कंफर्टेबली बिहेव करेंगे। और जहां पर एंगल आ जाता है वो एकदम से सडन एक्शन लेते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि आप फोन पे बात कर रहे हैं और मान लीजिए आप कोई किसी के साथ, अपने आजकल बच्चे बात करते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आप गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप मैरिड है और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ आ गई है, तो फिर भी जो स्मूथ कर्व वाले हैं वो क्या करेंगे, वो बात करते रहेंगे जो ही उनका नॉर्मल टोन रहेगा, राइट। नॉर्मल टोन में बात करते करते धीरे धीरे अपने भी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो भी उसको देखते हुए स्मूथ जाएंगे। एंड कई पर्सन क्या होते हैं, हम सडनली उनके रूम में एंटर करते हैं और वो डर जाते हैं, या वो फोन काट देंगे या वो वीडियो कॉल कट कर देंगे, तो वो उनका एक सडन चेंज आता है। और दूसरे भी करते हैं फिर वो, मगर आराम से बात करते करते कंप्लीट करने के बाद कट कर देते हैं। तो ये आपका बॉडी लैंग्वेज को बताता है लेटर जे, आपके एटीट्यूड को बताता है। कभी कोई पर्सन आपके सामने, आंखों के सामने आ गया और आपको वो पर्सन पसंद नहीं है, बट फिर भी अब आप आराम से ही निकलना चाहोगे उस जगह से, लेकिन कोई पर्सन आया है और कई पर्सन को इतना एटीट्यूड, इतना उसका बॉडी लैंग्वेज है एंड सडन चेंज है कि वो उसी टाइम पे उठ के चलेगी। तो ये बोलता है हमारा लेटर, कैपिटल लेटर जे। बाकी हमने चक्र के ऊपर बात की, तो ये मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको, राइट। और कैपिटल लेटर हमेशा हमारी इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्राफोलॉजी के कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, हम जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसी और वीडियोज अगर आप चाहते हैं कैपिटल लेटर्स पर लेकर आऊं, वो तो चली रही है, और भी कोई आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगी। तो टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, आई नो यू ऑल लव मी, लाइक मी एंड रिस्पेक्ट मी।